आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कि प्रतिशत जो होता है आपका वो खुद में जैसे कोई संख्या होती है, जो पूरी संख्या होती है उसको हम 100% कहते हैं। अगर उसी संख्या का 1/2 भाग निकाला जाए तो वो आपका हो जाता है 50%, और अगर 1/4 भाग निकाला जाए तो वो हो जाता है आपका 25%। उसके बाद अगर 1/8 भाग निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है 12.2%, मतलब कि 25/2%। ये हमने कैसे बताया है? तो यहाँ जैसे कोई वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु है तो वो अपने आप में 100% होती है। और अगर बात करें 1/2 की, तो 1/2 को हम लिखते हैं 100/2%। तो ये 100 से जब 2 कटेगा तो ये आपका जाएगा 50। तो 1/2 अगर भाग होता है तो ये होती है आपकी 50%। इसी प्रकार अगर 1/4 को देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा 25%। अब जैसे हमसे कहा गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो हम अगर कोई प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 80% दिया है, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो हम भिन्न में केवल अपॉन में 100 कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा भिन्न हो जाएगा। तो जैसे 80% लिखा हुआ है तो 80/100 हो गया, 1 0 से 1 0 कटा, 2 4 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, मतलब 4/5। ये आपका जो 4/5 आ गया यही आपका भिन्न हो गया, और प्रतिशत से ये क्वेश्चन आपका भिन्न में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बात करेंगे अगर 40% की, तो 40% को लिखेंगे 40/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो 2/5 जो है आपका ये भिन्न आ जाएगी 40% की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी आपने इसके ऊपर देखा कि प्रतिशत को हमने भिन्न में परिवर्तित किया, अब यहाँ देखेंगे कि भिन्न अगर दी हुई है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7/10 को हमको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 7/10 गुणे हम 100 करेंगे। अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो हम 100 कर देंगे केवल, जो हमको प्रतिशत दिया होगा उसमें प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 कर देंगे। और अगर यहाँ पर जैसे हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7/10 × 100। 7/10 × 100 करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 × 70। तो ये 70% जो है आपका वो 7/10 का प्रतिशत में मान हो गया। अगर 7/10 आपकी भिन्न दी हुई है तो प्रतिशत में मान उसका 70% हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 8/10 को प्रतिशत में लिखिए। तो 8/10 जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/10 × 100। तो ये 0 से 0 कटेगा और ये आपका बन जाएगा 80%। 8 × 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 80%। तो 8/10 को अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो आपका 80%। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5000 का 10% क्या होगा। हमको 5000 का 10% निकालना है, तो हमने कहा था कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में आप 100 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 5000 × 10/100। 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हुए, और ये जो 500 है आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो 5000 का जो 10% है आपका वो 500 निकल के आएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे कि 25000 का 25% का 2% का 1% क्या होगा। तो यहाँ हम निकालेंगे, पहले लिखेंगे 25000 गुणे हमको दिया 25%, प्रतिशत है तो बटे में 100 लिखेंगे, तो ये गुणे आपका हो गया 25/100। इसके बाद गुणे करेंगे, 2% दिया है तो 2/100 हो जाएगा। प्रतिशत को हम हटा के बटे में 100 लिख देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद दिया है हमको 1%, तो ये दिया। इसके बाद हम 00 से 00 कैंसिल करेंगे, 25 के यहाँ से काटे 100 से, तो 25 × 100 होता है आपका। उसके बाद 25 जो है इससे काटेंगे आप, 2 से 2 5 से काटिए, 5 25 हो गया आपका,
और ये हो गया आपका 2500 हो गया आपका ये 2500। जैसे यहाँ पर आपका हो गया 25,000 का 25% का 2% का 1%, तो हमने यहाँ लिखा 25,000 गुड़े 25/100 गुड़े 2/100 गुड़े 1/100। हम काटेंगे तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो कट जाए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। उसके बाद 2 से हम 2 को काट देंगे, 25 चौको ये आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे बचेगा आपका 2 गुड़े 2, मतलब ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ऊपर आपका 5 बचेगा। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका वो 5/4 आ जाएगा, मतलब 25,000 का 25% का 2% का 1% जो है आपका 5/4 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमसे 50 पैसे और 5 रुपए का प्रतिशत पूछा है, तो हम पहले 5 रुपए को भी प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। जब हम 5 रुपए को प्रतिशत में पैसे में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो उससे हम 5 को गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपके 500 पैसे हो जाएंगे। तो जो है 5 रुपए में आपके पैसे जो हो जाएंगे वो 500 पैसे हो जाएंगे। इसके बाद हमको 50 पैसे और 5 रुपए में निकालना है, तो 5 रुपए जो है आपका बन गया 500 पैसे, मतलब 500 पैसे में से 50 पैसे में 500 पैसे का प्रतिशत निकालना। तो हम जिसका जिसका दिए जिससे निकालना है उसको नीचे लिखेंगे और जिस जिसका निकालना है वो उसको ऊपर करेंगे। तो हम ऊपर लिखेंगे 50/500 × 100 करेंगे, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 50 हो जाएगा, ये आपका 10% है, मतलब कि 50 पैसे जो है वो 5 रुपए का 10% निकल के आएंगे। अगर यह बात करें कि प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि जो आपकी है वो उसका फॉर्मूला होता है कि जो प्रतिशत वृद्धि निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हो जाता है कि कुल वृद्धि गुणे 100/ प्रारंभिक मान। जैसे आइए इस चीज को हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपये हो गई, इस प्रकार कीमत में कुल 300 रुपये की वृद्धि हुई, तो वस्तु की प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास कोई वस्तु थी जिसकी कीमत 1200 रुपये थी, उसके बाद उसकी कीमत जो है 1500 रुपये हो गई, मतलब 300 रुपये की वृद्धि हो गई। तो हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हमने अभी बताया कि जितने की वृद्धि हो गुणे 100/ प्रारंभिक मान। तो यहाँ आप देखेंगे कि वृद्धि हुई आपकी 300 की, तो 300 हो गया गुणे 100 लिखेंगे, और बटे आपका प्रारंभिक मान जो है वो आपका 1200 था, 1200 के बाद बढ़ी थी तो 1500 हुई थी, तो प्रारंभिक मान जो है वो आपका 1200 होगा, तो 1200/1200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 300/100/1200। 00 से 00 काट सॉरी 00 से आप इधर 00 100 का जीरो काटिए, यहाँ से आपका 00 से 00 कटा, 3 × 12 हो गया, 4 से 100 को काटेंगे तो ये आपका 25 हो जाए, मतलब जो वृद्धि हुई है प्रतिशत में वो आपकी 25% निकल गए। और अगर यहाँ कमी की बात करें, तो कमी का भी फॉर्मूला सेम होता है कि प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी गुणे 100/ प्रारंभिक मान। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिशत कमी में कुल कमी गुणे 100/ प्रारंभिक मान। चलिए इसको भी हम क्वेश्चन से समझाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उनकी संख्या में प्रतिशत उसमें उसकी संख्या में 20 की कमी हो गई, तो हमको प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत कमी का हमने फॉर्मूला बताया कि कुल कमी गुणे 100/ प्रारंभिक मान। तो कमी जो हुई है आपकी वो 20 की हुई है, 20 हो गई गुणे 100 करेंगे बटे प्रारंभिक मान जो है, प्रारंभिक मान आपका 60 दिया है, तो 60 करेंगे तो 20 × 3 = 60 हो जाएगा, मतलब 100/3 बचेगा। 100/3 जब 3 को 100 को भाग करेंगे 3 से, तो आपका 33 सही है 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च परिवर्तित रहे। मतलब ये है कि अगर चीनी का मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में हमको कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च जो है आपका वो खर्च।
डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुराना मूल्य बराबर नया मूल्य, क्योंकि मान आपको बराबर रखना है या परिवर्तित करना है, तो हम यहाँ पुराना मूल्य बराबर नया मूल्य करेंगे। तो जब कोई कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100 प्रतिशत होती है, तो यहाँ हमने लिख दिया 100। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि 10 की वृद्धि हो जाए, तो 10 की वृद्धि होगी तो आपका हो जाएगा 110। तो यहाँ हमने वही लिख दिया है कि 110 नया मूल्य जो आपका 10 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 110। 100 में से 10 जोड़ेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ जो है 10 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 10 बढ़ रहा है, यहाँ 10 लिखा बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर नया मूल्य निकालना है, परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा कब बटे 110 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर बचेगा आपका 100 बढ़ेगा 11 से, जब बात करेंगे 100 को तो आपको आ जाएगा 9 से 1 से 11। आई होप आपको ये स्टार्टिंग के प्रतिशत के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।